षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। प्रमत्त प्रमत्त पने का निषेध किया। गायक भाव की व्याख्या टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने की और प्रमत्त प्रमत्त क्यों नहीं है इसकी भी व्याख्या टीका में जो आई है वो अपन ने कल देखी थी। प्रमत्त प्रमत्त नहीं है इसे स्पष्ट करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मद्रव्य का दो प्रकार से निरूपण किया है। यह प्रश्न है आप लोगों के लिए। दो प्रकार से निरूपण किया है, वह दो प्रकार का निरूपण कौन कौन सा है? बोलो सहज बोली माइक लेना। बंद पर्याय निरूपण और द्रव्य स्वभाव पर द्रव्य स्वभाव निरूपण। वो बंद पर्याय निरूपण नहीं कहेंगे, वो तो अभी कर्म बंधन वाली पर्याय की ओर से कथन कर रहे हैं इसलिए बंद पर्याय कहा। तो बंद कहा तो फिर अनादि शब्द क्यों छोड़ दिया? अनादि बंद पर्याय निरूपण या कहते पर्याय निरूपण, पर्याय निरूपण और द्रव्य स्वभाव निरूपण, उसको संक्षेप में द्रव्य निरूपण भी कह सकते हैं। यदि नयों की अपेक्षा से कहे तो पर्याय निरूपण को क्या कहेंगे? पर्यायार्थिक नय, और द्रव्य निरूपण को द्रव्यार्थिक नय। यह ज्ञायक भाव पर्याय निरूपण की ओर से देखे तो कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? बोलो एकाग्र। जल और दूध के समान एक मेघ दिखाई देता है, मिला हुआ। जीव और पुद्गल, हाँ। शरीर और आत्मा। यहाँ शरीर की बात चल रही है क्या? क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं ना वो आगे के विषय से जुड़ता है। शरीर की बात की है क्या? बोलो अक्षत। किसके साथ एक मेघ हो रहा है? एक कक्षा में ध्यान से सुनो तो भी ख्याल में आती बात भी। पीछे मानस। कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप हो रहा है और इसमें फिर उदाहरण दिया था दूध और शीर का। दूध पानी की तरह एक में हो रहा है। हाँ, कल ये पर चर्चा भी की थी। दूध पानी की तरह एक में हो रहे हैं ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं और किसका निषेध करना चाहते हैं, माने क्या संबंध बताना चाहते हैं? आगे दे देना भयंकर को। वो यहाँ पे तादात्म्य सत्य संबंध का निषेध करना चाहते हैं कि जैसे दूध और पानी है तो उनमें जरूरी नहीं कि जहाँ दूध हो वहाँ पानी होगा ही होगा, मतलब तादात्म्य सत्य संबंध नहीं है। ऐसे ही कर्म में और जीव में तादात्म्य सत्य संबंध नहीं है। तो है कौन सा संबंध है? असली बात तो भूल गए। कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है। उसके साथ साथ एक और बात कही थी, और वो एक क्षेत्रावगाह है लेकिन एक क्षेत्रावगाह कैसा है कैसा नहीं है, एक और उदाहरण दिया था ना। बोलो अभी जो जैसे भाई साहब गाय के थनों का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार। बोलो संदेश। अच्छा, एक बोरी में या डब्बे में गेहूं और कंकड़ एक साथ भरे हुए हो ऐसा नहीं है बल्कि दूध पानी की तरह है। अभी मयंक के कह रहा था कि जहां दूध है वहां पानी नहीं, जहां पानी है वहां दूध नहीं है। वो जो दूध मैंने कहा था ना,
मूल दूध जो निकला हुआ है, शुद्ध दूध जो निकला हुआ है, उस दूध में भी पानी है, वो दूध पानी एक साथ है। अब तादात्म्य के निषेध करने के लिए कौन सा उदाहरण देंगे? जैसे अग्नि और उष्णता, शक्कर और मिठास, आत्मा और ज्ञान, इनका जैसा तादात्म्य संबंध है ऐसा कर्म और पुद्गलों का, कर्म पुद्गलों का और जीव का ऐसा संबंध नहीं, सिर्फ एक क्षेत्राव का संबंध है। द्रव्य स्वभाव निरूपण की अपेक्षा से ये कहा, वह द्रव्य स्वभाव निरूपण में क्या स्वरूप है ये नहीं दिया, लेकिन द्रव्य स्वभाव निरूपण से देखने पर प्रमत्त प्रमत्त नहीं है ये बात की। प्रमत्त प्रमत्त नहीं है, मैं हेतु तो मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके संदर्भ में तीन प्रश्न, तीन विशेषताओं की चर्चा करेंगे। शुभाशुभ भावों के स्वभाव से परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। कौन? हाजी, आत्मा। कौन सा? यहां उस आत्मा को क्या शब्द दिया? सज्ञायक भाव। जो एक ज्ञायक भाव की बात चल रही, उसी की बात चल रही है। यद्यपि कर्म पुद्गलों के साथ एकमेक हो रहा है पर्याय दृष्टि से देखने पर, लेकिन द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो शुभाशुभ भावों रूप से वो परिणमता ही नहीं है, और शुभाशुभ भावों रूप से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। तो इसमें यथाक्रम लगाना है ना, शुभ भावों से परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं, अशुभ भावों से परिणमित नहीं होता इसलिए अप्रमत्त नहीं, ऐसा क्रम लगाना है। तो कैसा क्रम लगाना है बोलो, संदेश के पीछे। यहाँ पे ऐसा बताया है कि शुभाशुभ भाव से परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं है, और उसके अभाव में जो शुद्ध भाव से परिणमित नहीं होता तो अप्रमत्त नहीं है, ऐसा। मैंने प्रमत्त नहीं हुआ, जो प्रमत्ति नहीं हुआ तो प्रमत्त से रहित अप्रमत्त कहने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। प्रमत्त नहीं हुआ तो उसके अभाव रूप अप्रमत्त कैसे हो सकता है? और प्रमत्त पना शुभाशुभ भावों से आता है, और शुभाशुभ भाव रूप परिणमित ही नहीं होता, प्रमत्त नहीं हुआ इसलिए उसके अभाव रूप प्रमत्त भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ये तो जीव तो हो रहे हैं गुणस्थानों में, छह गुणस्थान तक भी है, आगे सातवें से ऊपर भी है, तो जीवों में अवस्था तो हो रही है ना, तो फिर नहीं है कैसा कह रहे हैं? तो सबसे पहले कह दिया द्रव्य स्वभाव निरूपण, या ये अभी द्रव्य स्वभाव से देख रहे हैं, ये द्रव्य स्वभाव में नहीं है, तो कहाँ है? ये पर्याय में है, ये पर्याय रूप से है, और पर्याय निरूपण पहले दे दिया, पर्याय से देखोगे तो सब दिखाई देगा, लेकिन द्रव्य स्वभाव से देखने पर ये नहीं है। और यहाँ उस ज्ञायक भाव को उस द्रव्य स्वभाव से देखने की बात कर रहे हैं, और यही हमारी दृष्टि का विषय है, इसलिए उसे प्रमत्त प्रमत्त नहीं ये कहा गया। शुभाशुभ भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? शुभाशुभ भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? वैसे एक साथ ही पूरा कहना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रश्न करके पूछ रहा हूँ। शुभाशुभ भाव उत्पन्न कैसे होते हैं? प्रवर्तमाना नाम कैसे प्रवर्तित होते हैं? किसी को ख्याल में नहीं है? बोलो, शाश्वत के बाजू में। दो दृष्टि से बताई थी, एक तो सैद्धांतिक दृष्टि और एक अगाध्य दृष्टि से। तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो मतलब पुण्य पाप दोनों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पुण्य के उदय में घातिया भी होते हैं, और फिर अगाध्या के मतलब उसमें पुण्य अकेला बताया था वो, तो और उसकी विशेषता बता दी, शुभाशुभ भाव कैसे हैं उनकी विशेषता कही, उत्पन्न कैसे होते, प्रवर्तमान कैसे हुए, किससे प्रवर्तित हुए। शाश्वत, उनको नहीं ख्याल में, पढ़ा नहीं इसको, इसी में से पूछ रहा हूँ, कोई अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, लिखा हुआ है, जो विश्लेषण किया वो अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, जितना विश्लेषण में आया वो। बोलो इधर, समर्थ। तुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमाना नाम, कि जो जो जिसका अंत करना कठिन है, असंभव नहीं है पर कठिन है, ऐसा कषाय चक्र, कषाय चक्र का भी आपने बताया था कि एक तो चार प्रकार की कषाय संक्षेप में, तो और उसका उदय होने पर जो शुभाशुभ भाव की प्रवृत्ति होती है, मैंने
जैसा भी उदय हुआ कभी शुभ हो जाता है कभी अशुभ अपने आप हो जाता है। नहीं, वैचित्र, वैचित्र पूरा बोलो ना। और ये जो कषाय के उदय की विचित्रता वश जो कह रहे ना, यहाँ वो कषाय है मुख्य रूप से क्या, द्रव्य कर्म की बात है, द्रव्य कर्म रूप कषाय की बात है। और जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं वे भावात्मक भाव कर्म है। तो द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से उदय वैचित्र वशेन ये प्रवर्तमान माने उत्पन्न होने वाले ऐसे शुभाशुभ भाव। अब उनकी दो विशेषता बताई थी शुभाशुभ भाव कैसे हैं, वे क्या उत्पन्न करते हैं और वे खुद अपने आप में कैसे हैं, दो विशेषताएं लिखी थी। पॉइंट बताते उस समय ख्याल में रखना चाहिए ना, प्रशिक्षण की कक्षा थोड़ी चल रही, वस्तुनिष्ठ ऐसे निकाल निकाल करके पूछे जाए आपको। बोलो पुष्प, बोलो। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले हैं और अनेक रूप हैं। अनेक रूप है पुण्य पाप निर्वर्तका नाम उपात्तवेश रूपाणाम, ऐसे शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव से परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, यद्यपि पर्याय में होते हैं। अच्छा, संसार अवस्थायाम, ये जो शब्द आया था मैंने कहा था इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये जो संसार अवस्थायाम बात लिखी है ये बात मात्र पर्याय निरूपण के लिए है या पर्याय निरूपण द्रव्य स्वभाव निरूपण दोनों के लिए है? प्रश्न नहीं आया समझ में। संसार अवस्थायाम, संसार अवस्था में पर्याय से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, और द्रव्य स्वभाव को कब देखेंगे, जब मुक्त अवस्था हो जाएगी तब देखेंगे ऐसा। ये दोनों बातें ही संसार अवस्थायाम, संसार अवस्था में ही पर्याय निरूपण पर्याय दृष्टि से देखेंगे, कर्म पुद्गलों के साथ एकमेक दिखता है, ऐसा होने पर भी उसी संसार अवस्था में उसी अवस्था में यदि हम द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो वह प्रमत्त प्रमत्त होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। तो ये दोनों दृष्टियां उसी समय देखने की है। द्रव्य संग्रह की गाथा आती ना, मग्गण गुणठाणी ही 14 ही हवन्ति तह अशुद्ध नया विन्नेया संसारी। तो संसार दशा में गुणस्थान आदि रूप होता है, ये अशुद्ध नय की बात है, अशुद्ध नय व्यवहार नय पर्याय निरूपण की अपेक्षा से। परंतु अंतिम चरण क्या कह दिया, सव्ये शुद्धाऊ शुद्ध नया, शुद्ध नय से देखा जाए तो सर्व शुद्ध है। कौन से, विन्नेया संसारी, जिसे भी संसारी कहा गया है उसे भी शुद्ध नय से देखेंगे तो वह भी कैसा है, शुद्ध ही है, अर्थात वह गुरस्थान मार्गणास्थान इन सबसे पार है, माने ये सभी पर्याय में होते हैं। और जिस गायक भाव की बात चल रही है, हमें जिस दृष्टि का विषय बनाना है उसे द्रव्य स्वभाव से देखना पड़ेगा, और द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। दो बातों की चर्चा हुई या गाथा के पहले चरण की बात हुई, पहले पंक्ति की, नवी हो दी अपमत्तो नपमत्तो, उसका हेतु दे दिया, जान गो दुजो भाव एक गायक भाव, उसकी व्याख्या की अमृतचंद्र आचार्य ने। अब नीचे की पंक्ति क्या है, एवं भणंती शुद्धम ना दो जोसो दुसो चेव, एवं भणंती शुद्धम। अब उस गायक भाव को शुद्ध कहते हैं ना, शुद्ध कैसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए आगे की टीका, एषः एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्य भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिलप्यते। एषः एव माने यही, कौन यही, किसकी बात चल रही है, गायक भाव जो हमारा दृष्टि का विषय है और जो प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता है वही गायक भाव अब शुद्ध कैसे है, क्यों है, द्रव्यांतर भावेभ्य भिन्नत्वेन। द्रव्यांतर द्रव्य जिस गायक भाव की बात कर रहे हैं वो स्वयं अपने आप में द्रव्य है ना, कौन सा द्रव्य है, हाँ जी जीव द्रव्य है ना अपने आप में। तो द्रव्यांतर माने वो जो द्रव्य जीव द्रव्य स्वद्रव्य है, द्रव्यांतर माने अन्य द्रव्य उससे भिन्न द्रव्य। अब उससे भिन्न द्रव्य कौन कौन से, कौन कौन से भिन्न द्रव्य, उद्गल
धर्म अधर्म आकाश काल बराबर। और कोई बचा? हाजी अन्य जीव, वो जीवांतर, जीवांतर भी द्रव्यांतर में जाएंगे, क्योंकि जो जिस जीव की बात चल रही हो उसके लिए वह स्वयं द्रव्य, और उसके अलावा बाकी अजीव द्रव्य तो द्रव्यांतर है ही, लेकिन अन्य जीव भी द्रव्यांतर। आगे अनेक जगहों पर जहां भी बात आएगी तब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जीवांतर, अन्य जीव की बात भी लेंगे तो द्रव्यांतर। अच्छा ठीक है, अन्य द्रव्यों से भिन्न होता होगा लेकिन उसके भाव आ जाते होंगे, भाव आ जाते होंगे उसके अंदर, थोड़े बहुत तो आ जाते होंगे। कहें भावेभ्य द्रव्यांतर भावेभ्य, द्रव्य अन्य द्रव्य और उनके भावों से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न हुआ तो उनके गुण से पर्यायों से सबसे भिन्न होता है, और चूंकि उनकी मिलावट इसमें नहीं होती है इसलिए शुद्ध है। दो प्रकार से अशुद्धता आती है, या तो कोई मिलावट हो या फिर अभेद अखंड में भेद किया जाए, तो इसमें अन्य द्रव्यों की मिलावट नहीं है, द्रव्यांतरों से भिन्न है इसलिए यह शुद्ध है। द्रव्यांतर भावेभ्य भिन्नत्वेन, भिन्न होने से शुद्ध है। क्यों भिन्न है, क्यों भिन्न है, भिन्नता के आधार क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न होने के लिए क्या क्या विशेषता इसमें ऐसी है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अरे सबसे पहले सामान्य गुणों में से दो गुण ऐसे हैं जो अच्छी तरह से भिन्नता करते हैं। कौन से दो गुण? अगुरु लघुत्व, और एक और गुण है ना, अस्तित्व भी। क्यों अस्तित्व? सर्वम सदैव को नेच्छेत स्वरूपादि चतुष्टयात् असदैव विपर्यासा, माने पर चतुष्टय की अपेक्षा असत, माने ये जो सत्ता है वह सत्ता सब पड़ी वक्खा, पंचास्तिकाएँ की गाथा आती है, जो सत्ता होती है सब प्रतिपक्ष होती है, सत्ता अकेली सत्ता नहीं होती, असत्ता भी होती है। अस्तित्व है तो उसके साथ में नास्तित्व है, तो अस्तित्व ये कहता है कि स्व चतुष्टय से अस्तित्व है, और इसमें अपने आप बात आ गई पर चतुष्टय की नास्ति है, तो अस्तित्व पर चतुष्टय को अपने में नहीं आने देता। और अगुरु लघुत्व गुण, एक द्रव्य को दस दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, गुण को अन्य गुण रूप नहीं होने देता, इसलिए अन्य द्रव्यांतर भावेभ्य भिन्नत्वेन। और अभाव में सबसे बड़ा अभाव कौन सा? अत्यंत अभाव, तो अपन बार बार कहते ही है दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, तो ये कैसे एक में होंगे? तो ये ज्ञायक भाव भी अशेष द्रव्यांतर, अशेष स्व को छोड़कर बाकी सारे किसी किसी के भी भिन्न भावेभ्य भिन्नत्वेन, भिन्न होने से शुद्ध है। परंतु ऐसा नहीं लिखा, एक और शब्द डाल दिया, क्या शब्द लिखा देखो, क्या शब्द दिया रितेश, क्या शब्द है? अजय उपास्य माना, भिन्नत्वेन शुद्धः, ऐसा भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अन्य द्रव्यों से भिन्न है इसलिए शुद्ध है, मिलावट नहीं इसलिए शुद्ध है, ये उतना ही नहीं लिखा, उपास्य मानः शुद्धः, उपासित होता हुआ शुद्ध होता है, नहीं उपासित हो तो, नहीं उपासित हो तो अपने आप में तो शुद्ध है, लेकिन कहते उसकी शुद्धता का लाभ हमको नहीं मिल सकता। अपने आप में तो शुद्ध है लेकिन उस शुद्धता का लाभ तब मिलेगा जब उसकी उपासना की जाए, उपास्य मानः शुद्धः। और उपासना करने का मतलब क्या, कैसे उपासना की जाएगी उसकी, आगे आएगा, मेरे ख्याल से 14 या 15वां कलश है, एषा ज्ञान गणो नित्यम आत्मा सिद्धिम अभिप्सुभि साध्य साधक भावेण द्विधैक समुपास्यताम, साध्य भाव से उपासना करो, साधक भाव से उपासना करो, साध्य साधक भाव की उपासना की बात करेंगे। उपास्य माना वो शुद्ध की उपासना कैसे की जाएगी, कैसी उपासना होती है, उपासना कैसे होती है, पूजा करो उस द्रव्य को रखो और जय जय नाथ परम गुरु हो अर्घ चढ़ाओ, हो जाएगी ना उपासना, कैसे होगी, कैसी उपासना की जाएगी,
यहाँ तो उपास इसकी उपासना की एक ही विधि है, क्या? उसको जानना, उसको पहचानना, और उसको जानकर पहचानकर उसमें लीन होना। जैसा ये शुद्ध स्वरूप है ऐसा ही शुद्ध स्वरूप मैं हूं, ऐसा जानकर पहचानकर उसमें लीन होना, ये उपासना। और जो ऐसा होगा, ऐसा करेगा, ऐसी उपासना करेगा, उसकी परिणति में निश्चित रूप से शुद्धता आएगी आएगी। 186 गाथा, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, उसे उसका लाभ मिलेगा। गुरुदेव का उद्धरण दिया है अनुशीलन में, यह आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसे? जिसने जाना उसे, जिसे जाना ही नहीं उसे क्या है? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। ये ऐसा शुद्ध स्वरूप आत्मा है ना, हरेक आत्मा है। द्रव्य स्वभाव निरूपण, या द्रव्य स्वभाव से ऐसा शुद्ध है ना, तो शुद्ध है तो शुद्ध होता क्यों नहीं है? गुरुदेव कितने करुणा भाव से कहते हैं, प्रत्येक आत्मा भगवान है ना, करुणा से कहते हैं, भगवान छो ना, बद्धा भगवान छो, भगवान छो ना तो भगवान छई जाओ। जब भगवान हो तो भगवान हो क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं हो जाते हो? भगवान तो हो लेकिन मैं भगवान हूं ऐसा जानते नहीं, पहचानते नहीं और मानते नहीं है। हाँ, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, भक्ति में जोर जोर से बोल लेते हैं, पर्यायों से पार देख लो, आप स्वयं भगवान रे, आप स्वयं भगवान माने भगवान से कह रहे हैं भाई। अरे वे तो पर्याय में भगवान बन गए हैं, उनकी बात नहीं है, उनको पर्यायों से पार देखने की जरूरत नहीं है, उनको तो पर्याय में देखो तो भी वे भगवान है, अभी वो तो पर्याय में भी भगवान है, तो उनसे नहीं कह रहे हैं, पर्यायों से देख लो आप स्वयं भगवान है, वो आप नहीं, उनको आप नहीं कह रहे, वो आदरार्थ है आप नहीं है, वो आप किसके लिए है? अपने लिए है, आपा स्वयं आत्मा अपना वह भगवान है। तो भगवान स्वरूप देखा, ऐसे ही शुद्धता है, लेकिन जब तक उसको जाने नहीं, पहचाने नहीं, तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए कहा कि उपास्य माना शुद्धा, तो उपास्य तो होता हुआ शुद्ध कहलाता है, वास्तव में है, कहलाने का मतलब उसका लाभ तब मिलता है कि द्रव्यांतर अन्य सब द्रव्यों से भिन्न उसे जाना जाए, पहचाना जाए और उसमें लीन हुआ जाए। और इसके लिए क्या शब्द दिया, जानना पहचानना लीन होने के लिए शाश्वत क्या शब्द दिया? उपास्यमान, उपास्य तो होता हुआ वह शुद्ध कहलाता है। चलिए अब अंतिम, नादो जोसो दुसो चेव, इसकी व्याख्या के साथ एक और प्रश्न उठाया। अभी आपने कहा कि यह समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ, अन्य द्रव्यों से भिन्नता के कारण ये शुद्ध है, किसकी बात चल रही, कौन है ये शुद्ध, ऐसा कौन है? गायक, गायक किसे कहते हैं? अभी आपकी क्लास में शायद गायक नाम है नहीं किसी का, और कक्षाओं में होंगे। गायक किसे कहते हैं? गायक, हाजी क्या करता है? जानता है। किसको जानता है? गेयों को जानता है। गेय माने, इसका सीधा तात्पर्य है सब गेयों को जानता है ना, और सब गेयों को जानता है तो उस गेय में पर द्रव्य भी आए कि नहीं आए? पर द्रव्य भी आए। तो जब पर द्रव्य आए, अभी तो कहा था कि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, भिन्न होने से शुद्ध कहलाता है, लेकिन आपने उसे गायक कहा तो पर द्रव्यों को जानने के कारण से तो उसका नाम गायक कहा। गेयों को जानता है, गेय सभी पर द्रव्य है, आत्मा गायक, पर द्रव्य गेय, गेयों को जाना तो पर द्रव्यों से संबंध आया, तो पर द्रव्यों से संबंध आया तो अशुद्धता आ गई कि नहीं? अब उस बात का निषेध करते हैं अगली टीका में, देखिए क्या पंक्तियां हैं। न च अस्य गेय निष्ठत्वेन गायक गायकत्व प्रसिद्धे दाह्य निष्ठ दहनस्य एव अशुद्धत्वम्, दाह्य निष्ठ दहनस्य एव अशुद्धत्वम्। अशुद्धत्वम माने अशुद्धता, तो अशुद्धता है कि नहीं है? अशुद्धता है कि नहीं है? नहीं है तो न कहाँ आया?
न सबसे पहले आया, न न च अस्य, अस्य माने कस्य, किसके, किसी ज्ञायक भाव के, इस ज्ञायक को ज्ञायक क्यों कहते हैं, गेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धि, गेय निष्ठ होने से, और गेय निष्ठता का अर्थ गेयों को जानने के कारण से, इसका नाम जो ज्ञायक पड़ा है गेयों को जानने के कारण पड़ा, और गेयों को जानने के कारण गेयों से गेयों को जाना, और गेयों को जाना तो गेय सभी द्रव्य परद्रव्य भी आ गए, तो उनसे संबंध आ गया, तो वो और गेयों को जानने से ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ, तो तब भी कह रहे हैं ना अशुद्धत्वम, कोई कहे कि इस कारण अशुद्धता आ गई, परद्रव्य से संबंध तो हो ही गया, तो संबंध हो गया तो अशुद्धता आ गई कि नहीं आई, उदाहरण दिया कैसे, दाह्य निष्ठ दहनस्य इव, दाह्य निष्ठ दहनस्य का मतलब क्या, दहन माने अग्नि और दाह्य माने ईंधन, दहन अग्नि दाहक होती है, वैसे दहन अग्नि और उस अग्नि से जिसे जलाया जाए वो ईंधन, कभी भी अग्नि जलेगी तो कैसे आकार की होगी, जिस ईंधन को जलाएगी उसके आकार की होगी, वैसे आकार का तात्पर्य अकेले वो जो लकड़ी लंबी है तो लंबी हो रही है, वो कंडे को जला रही है तो कंडे के आकार की हो रही है, और आजकल ज्यादातर घरों में अग्नि कौन सी होती, खाना पकता है तो गैस की, उसका आकार कैसा होगा, कौन से आकार की होगी, उसमें भी कहो भाई जैसी निकल रही है वहां से उसके आकार की जल रही है, वास्तव में आकार से तात्पर्य नहीं है, वह जिसकी अग्नि है उसकी कहलाती है, उस रूप कहलाएगी ना, किसकी अग्नि, किसको जला करके की जा रही है वो उसकी अग्नि कहलाएगी, यदि कंडे, कंडे समझते हैं ना, कंडे क्या होते हैं, गोबर के जो बनाए जाते हैं उपले बोलते हैं ना, वो कंडे, और कंडे को जला करके आग अग्नि, गांवों में बहुत से अभी भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वह उसकी अग्नि होगी तो कंडे की अग्नि कहलाएगी, लकड़ी जलाई जा रही है तो लकड़ी की अग्नि कहलाएगी, गैस जलाई जा रही है तो गैस की अग्नि, माने ईंधन के रूप में जिसका प्रयोग किया गया है उसकी अग्नि कहलाती है, इसमें से कौन सी अग्नि शुद्ध होती है और कौन सी अग्नि अशुद्ध होती है, कौन सी अग्नि शुद्ध होती कौन सी अग्नि अशुद्ध, ये जो अशुद्ध चीज को जला के की जाए तो अशुद्ध, अशुद्ध को जला के की जाए तो शुद्ध, कौन कौन सी अशुद्ध कौन कौन सी शुद्ध, कोयला भी तो है, कोयले की भी अग्नि होती है, कंडे, कंडा कैसे बनता है, गोबर से, गोबर शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, अब गोबर अशुद्ध लेकिन उसकी जो अग्नि जली वो शुद्ध की अशुद्ध, और जो गैस है ना, अब काय काय से बनी पता नहीं है, लेकिन आजकल जो गैस है गोबर गैस भी बन रही है ना, जो किसान वगैरह होते गोबर जहाँ होता हो तो उसका गैस के लिए उपयोग करते हैं, अब गोबर गैस, अब वो गैस निकली वो शुद्ध की अशुद्ध, और उससे जो आग जली है वो शुद्ध की अशुद्ध, यदि कंडे को अशुद्ध कहो, कंडे को तो अशुद्ध ही कहलाएगी, बाटी दाल बाटी चूरमा, अरे स्मारक के सूरमा, तो दाल बाटी बाटी खाई थी ना, अभी तो अपनी बाटी तो अलग बनती है, लेकिन गाँव में यहाँ राजस्थान में देखोगे ना वो किस में सिकती है, कंडे में सिकती है, और कोई बाटी गलती से हाथ से छूट करके गोबर के कंडे पर गिर जाए तो उठा करके खाएंगे नहीं खाएंगे, और उसी आग में पकी हुई बाटी खा रहे हैं, कैसे खा रहे हो, कोई कहेगा ये इसमें कंडे में पकी हुई है, कंडा तो अशुद्ध है और उसमें वो बाटी खा रहे हो, बढ़िया मजे से खाते हो, क्यों खाते हो, कैसे खाते हो, कहते नहीं वो कंडे में नहीं पकी है, किसमें पकी है, आग में पकी है, तुमने तो कंडे में रखा था ना, कि नहीं कंडे में नहीं रखा, वो उसमें तब रखी जाती है जब वो कंडा बिल्कुल आग बन जाता है, तब अब वो आग बन गया ना तो अब कुछ नहीं है, गैस अशुद्ध, कभी गलती से जल नहीं पाए
और गैस खुली खुल जाए तो बदबू भर जाती पूरे में, रहना मुश्किल हो जाता है वहाँ। अब गंदी है ना बहुत, और उस पर आपकी रोटी सिक करके आती हैं, उसको मजे से खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि गैस की पकी हुई रोटी नहीं खाते हैं। किसमें पकी हुई? सिकी हुई आग में। वो उसके बाद तो अग्नि बन गई, माने वो दाह्य की अशुद्धता दहन में नहीं आती है, ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। तो जैसे जिस ईंधन को जलाते हुए वो दाह्य भले ही कोई भी होवे, लेकिन जब अग्नि बनने के बाद उसकी अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है, तो यही यहाँ पर सिद्धांत में कहना चाहते हैं। उसी तरह गेयों को जानने के कारण गायक को अशुद्धता नहीं आती है। गेय निष्ठत्वेन गायकत्व प्रसिद्धे न अशुद्धत्वम्, गेयों को जानने पर भी गायक की कोई अशुद्धता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? दो कारण। पहला कारण, आप ये कह रहे हो भी पर से संबंध हो गया, जाना ना पर को जाना, इसलिए हमने गायक कहा तो संबंध आ गया ना। जैसे पर द्रव्य को अपना जाना, अपना एकत्व बुद्धि हुई, ममत्व बुद्धि हुई, स्वामित्व बुद्धि हुई, ये संबंध हुए। हमने पर का कर्ता माना, पर का भोक्ता माना, कर्तृत्व संबंध भोक्तृत्व संबंध हुआ, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य संबंध हुआ। ऐसे ही पर को जाना तो कौन सा संबंध हुआ? अरे पर को जाना तो कौन सा संबंध हुआ? गेय गायक संबंध हुआ, तो संबंध हो गया ना। तो गेय गायक जैसे स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध, यदि दो द्रव्यों के बीच खड़ा करते हो तो अशुद्धता खड़ी होती है। ऐसे ही गेय गायक संबंध करते दो के बीच में किया तो भी अशुद्धता आनी चाहिए ना, पर के साथ संबंध किया, कहते नहीं आती है। क्यों? स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध सहज संबंध नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में ये संबंध नहीं है, और संबंध हो रहा है वो एक तरफा है, ये जीव जबरदस्ती मानता है, वो कहां स्वीकार कर रहे हैं? जिन दुकान मकान इन सबको अपना कह रहे हो, अपना मान रहे हो, वो तुम्हारा स्वामी स्वीकार करने तैयार? करता कहाँ है वो? पहले वो अपन ही कर रहे हैं, जबरदस्ती का संबंध बनाया हुआ है नहीं और मानता है। लेकिन गेय गायक संबंध कोई संबंध नहीं है, सहज है, बिना कुछ किए हैं। गायक में स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति है, जानने की सहज शक्ति है, और उस जानने की सहज शक्ति के कारण वो सबको जानता है। और गेय है, उनमें कौन सी शक्ति है? सामान्य गुणों में से एक गुण प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो उन पर पदार्थों में गेयों में जानने में आने की शक्ति है। तो दोनों अपनी अपनी शक्ति से सहज परिणम रहे हैं, और सहज परिणमते हुए ज्ञान के स्वपर प्रकाशक शक्ति से परिणमने से गेय उसमें झलक रहे हैं। और गेयों में ज्ञान में जानने की सहज योग्यता होने से वो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, इसलिए ये कहने मात्र का संबंध है। दूसरा संबंध मुख्य रूप से उसे कहते हैं जो प्रभावित करे, प्रभावित करे, प्रभाव पड़े। स्वस्वामी एकत्व कर्तृत्व आदि जो संबंध होंगे उनसे मिथ्यात्व खड़ा होगा। परंतु गेय गायक सहज गेय गायक संबंध में कोई एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्ञान को गेयों को जानने के लिए गेयों के पास नहीं जाना पड़ता, और गेयों को ज्ञान में ज्ञात होने के लिए ज्ञान के पास में नहीं आना पड़ता। ज्ञान ज्ञान में रहता है, गेय गेय में रहते हैं। और जब गेय ज्ञान में ऐसे दूर अपनी अपनी जगह रह करके जानने में आते हैं, तब गेय का कुछ भी ज्ञान, गेय स्वयं तो आता ही नहीं है, गेय का कुछ भी ज्ञान में नहीं आता है, और ज्ञान का कुछ भी गेय में नहीं जाता है। कोई अप्रभावित रह करके परस्पर कोई प्रभाव बिना किए, इसलिए सहज माने गेय गायक संबंध जो है वो सहज का संबंध है,
इसलिए गेयों को जानते हुए भी ज्ञान में किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आती है। ज्ञायक में ज्ञायक शब्द की मुख्यता से लिया, किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आती है। इसे बहुत विस्तार से समझना हो ना, अनुशीलन में तो दिया ही हुआ है। और जो पुरुषार्थ सिद्धि पाए का मंगलाचरण है, तत् जयति परम ज्योति समम समस्तैर अनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, वो केवल ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है, वो परम ज्योति, उसमें सारा लोकालोक पदार्थ मालिका, दर्पण तलैव प्रतिफलति, दर्पण के तल में जैसे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं ऐसे सारा लोकालोक उसमें प्रतिबिंबित होता है। इसको टीका किसने लिखी मालूम है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका, टोडरमल जी ने। तो टोडरमल जी ने इसकी भाषा टीका लिखते हुए बहुत विस्तार से लिखा, पदार्थों का दर्पण में प्रतिबिंबित होने का क्या स्वरूप है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। अभी जो एक पॉइंट तो दिया ही, और भी पॉइंट उसमें देखना। पहला पॉइंट तो ये दिया कि दर्पण को पदार्थों के पास नहीं जाता, पदार्थ दर्पण में नहीं आते हैं, दर्पण में पदार्थ झलकने पर भी दर्पण को कोई राग द्वेष नहीं होता है। क्या फर्क पड़ता है, राजा भी झलके और कोई रंग भी झलके, क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई अच्छा सुंदर व्यक्ति दर्पण में प्रतिबिंबित हो, देखे अपना चेहरा, और अत्यंत कुरूप व्यक्ति देखे तो भी क्या फर्क पड़ेगा दर्पण को। और अच्छा बुरा ना मानता नहीं है, करता नहीं है, राग द्वेष नहीं करता है, राग द्वेष नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। अब विस्तार उसमें जाएंगे तो दिक्कत, जिनकी जिज्ञासा वहां से देख लें। पर प्रभाव नहीं होता है ना, गेयों का ज्ञायक पर प्रभाव नहीं पड़ता, ज्ञायक का गेयों पर प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तो ज्ञायक में अशुद्धता नहीं आती वाली बात है, इसलिए गेयों की तरफ से ज्ञायक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गेयनिष्ठ, गेयों को जानने के कारण ज्ञायक नाम दिया तो भी ज्ञायक में उस तरह की अशुद्धता नहीं आती। एक पॉइंट और इसमें कहा, गेयनिष्ठ होने से, हाँ आदित्य, ज्ञायक नाम क्यों दिया, अजय, हाँ यहां शब्द क्या दिया, गेय निष्ठत्वेन, गेय निष्ठ होने से उसे ज्ञायक कहा, लेकिन उसमें गेयकृत अशुद्धता, यहाँ शब्द दिया है हिंदी अर्थों में, गेयकृत अशुद्धता ज्ञायक में नहीं आती। गेयकृत माने गेयों को जानने से, गेयों के कारण से होने वाली अशुद्धता किसी तरह से ज्ञायक में नहीं आती है। यदि ऐसा होता ना तो फिर सबसे ज्यादा अशुद्धता अरहंत और सिद्ध भगवंतों में आती, सर्वज्ञ भगवंतों में आती। क्यों, सारी दुनिया सारा लोकालोक जानने में आ रहा है, और सारे लोकालोक में कितनी गंदगी है, हिंदुस्तान भी जानने में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, हिंदुस्तान क्यों कह रहा हूं, स्वच्छता के मामले में वो भी झलक जाएगा। तो वो सब तो वो अशुद्धता से अशुद्धता होती, गेयों को जानने से तो कितनी अशुद्धता होती। अब दूसरी बात कह रहे हैं, हमने क्या कहा कि गेयों को जानने के कारण उसे ज्ञायक कहते हैं, गेयों को जानने के कारण कहते हैं ना, गेय कौन कौन है, कौन कौन गेय है, सारे द्रव्य सारे है ना, तो उन गेयों को जानने के कारण से। अच्छा, पर द्रव्य ही गेय है कि स्वद्रव्य भी गेय है, स्वद्रव्य भी गेय है ना, तो उसे ज्ञायक, अकेला पर द्रव्यों को, पर गेयों को जानने के कारण ज्ञायक कहेंगे कि स्वगेय को जानने के कारण भी ज्ञायक कहेंगे। तो आपको पर गेय को जानने के कारण ज्ञायक कहने से, पर से जुड़ना ऐसा आपको लगता है, कहते अपने स्वगेय को जानने वाला ज्ञायक ले लो, उसका ज्ञायक नाम पर को जानने के कारण है ऐसा मत समझो, अपने ही स्वगेय को जानने के कारण वह ज्ञायक है। और एक थ्योरी, एक शैली ये भी कहती है, हम तो गेयों को जानते ही नहीं हैं, किसे जानते हैं, ये गेय ज्ञान में जो झलक रहे हैं, जो गेयाकार ज्ञान में बन रहा है,
उस गेयाकार को जानते, ज्ञान का ही गेय रूप आकार, इसमें जो प्रतिबिंब बना उसे, मैं आपको देख रहा हूं ना, आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, किसे देख रहा हूं, मेरी आंख, आंख देख रही, उदाहरण के लिए तो आंख देख रही है, तो मेरी आंख आपको नहीं देख रही है, तो किसे देख रही है, कहले आपका एक प्रतिबिंब मेरे आंख में बन रहा है, इसमें गोलक या जो भी होता है उसमें बन रहा है, और वो जो बन रहा है वो मुझे दिख रहा है, और यदि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो जाए, आप सामने बैठे हो, मेरी आंख खुली है, लेकिन इस उपकरण में, निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम, इस उपकरण में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो वो प्रतिबिंब आपका उसमें नहीं बनेगा, और उसमें नहीं बनेगा तो आप सामने बैठे हुए भी नहीं देखेंगे, तो मैं तो आपको लगेगा कि आप देख रहा हूँ, नहीं दिखेंगे, इसका मतलब मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आपके उस प्रतिबिंब को ही देख रहा हूँ। ऐसे ही ज्ञायक सीधे गेयों को नहीं जानता, गेय का आकार जो ज्ञान में बनता है, बनता ज्ञान में है, लेकिन उसको गेयाकार कहते हैं, तो वो जो गेयाकार है उस गेयाकार को जानता है, वो ज्ञान का ही आकार होता है, इसलिए गेयों से सीधा संबंध आता ही कहाँ है। लेकिन यहाँ अब अगली पॉइंट, अगली बात ये कह रहे हैं, गेयों के जानने के कारण यदि ज्ञायक कहते हैं तो अकेले पर गेयों को थोड़ी जानता है, स्वगेय को भी तो जानता है, तो स्वगेय को जानने में पर का कोई संबंध ही नहीं आया, तो ज्ञायक का ज्ञायक रह गया। वो अंतिम बात यहाँ कहते हैं, देखिए यतः यतः ही तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यह ज्ञातः, तस्याम अवस्थायाम, कस्याम अवस्थायाम, गेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धि, गेयों को जानने के कारण जिसे ज्ञायक कहा गया, गेयों को जानता हुआ जो ज्ञायक है पर गेयों को, तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यह ज्ञातः, ज्ञायक पने से जो ज्ञात हुआ, जिसे ज्ञायक कहा जाता है, सह उसे ही अब कहाँ लगाना है, स्वरूप प्रकाशन दशायाम, अब अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, अपने आप को जान रहा है, तब उसको क्या नाम देंगे, माने पर गेयों को जानने के कारण आप ज्ञायक कहते हो, लेकिन स्वरूप प्रकाशन की दशा में आप उसे क्या कहोगे, अब आप ज्ञायक नहीं कहोगे, क्या नाम दोगे उसे, स्वप्रकाशक, अरे तब भी वह ज्ञायक है। यहां पुनः उदाहरण देते हैं, माने इतने अंतिम एक पंक्ति में दो उदाहरण आ गए, इसी ज्ञायक की शुद्धता बताने के लिए दो उदाहरण आए। दूसरा क्या उदाहरण, प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मण अनन्यत्वात् ज्ञायकः एव स्वरूप प्रकाशन दशायां प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मण अनन्यत्वात्। दीपक, दीपक को दीपक क्यों कहते हैं मालूम है, वह प्रकाशित करता है, किनको, घटपटादि सारे पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसलिए उसे दीपक कहते हैं। अच्छा, वह अकेले पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, अरे सबसे पहले किसे प्रकाशित करता है, अपने आप को ही प्रकाशित करता है, यदि वह स्वयं प्रकाशित न हो स्वयं, तो दूसरे को कर सकेगा। बहुत अच्छा तर्क दिया न्याय दीपिका में, सिद्धांत वाक्य जैसा है, जो बहुत सारे दर्शन ज्ञान को मात्र पर प्रकाशक मानते हैं, स्व प्रकाशक है ही नहीं कहते, ज्ञान स्व को जानते ही नहीं है, मात्र पर को जानता है, और उस ज्ञान को जानने के लिए दूसरे की, दूसरे से जाना जाता है, तो उनके लिए एक सिद्धांत वाक्य जैसा कहा, स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्व अयोगात्, स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्व अयोगात्, स्व के अवभासन में जो असमर्थ है, स्वयं को नहीं जानता है, परावभासकत्व माने स्व प्रकाशक नहीं हो पर प्रकाशक नहीं हो सकता, तो दीपक है अकेला, दूसरों को प्रकाशित नहीं कर रहा है, स्वयं को भी प्रकाशित, दीपक स्वयं उसमें प्रकाशित हो रहा है, उसमें इस तरह का भी उदाहरण दिया। आपको अंधेरे में कोई चीज ढूंढने के लिए जाना हो तो क्या करोगे, उजाले की व्यवस्था करके जाओगे ना, क्या लेकर के जाओगे, दीपक लेके जाओगे, तो दीपक लेके जा रहे हो और पदार्थों को ढूंढ रहे हो,
और जलते हुए दीपक को ढूंढना होगा तो क्या लेकर जाओगे? कोई कहेगा जाओ वहां वो दीपक लेकर के आओ, ये मुझे दिखेगा कैसे? वो दीपक को ढूंढने के लिए दूसरा दीपक तो दो मुझे, तब तो जाकर के ढूंढ के लाऊं। तो दीपक मृग्यंतरम दीपकांतरम न आवश्यकते, हाँ दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशित है। यहां ये कह रहे हैं कि वह दीपक जो अपने आप को प्रकाशित कर रहा है उस समय कर्ता कर्म कौन है, प्रकाशित करने वाला कर्ता कौन और उसका प्रकाशित होने योग्य कर्म कौन? तो प्रदीपस्य कर्तृकर्मणः अनन्यत्वात्, उस समय उसका कर्ता कर्म क्या है, अनन्य है, एक है कर्ता कर्म, अर्थात स्वयं दीपक ही प्रकाशक है और दीपक ही उसका विषय, दूसरा कोई नहीं है। जिस तरह से परीक्षा मुख में प्रमाण के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के स्वपर प्रकाशक बने के लिए क्या उदाहरण दिया, यही तो उदाहरण दिया, प्रदीपवत दीपक की तरह। अब इस दीपक के उदाहरण को सिद्धांत पर घटित करो, ऐसा ही ज्ञायक भी स्वरूप प्रकाशन की दशा में अपने आप को जान रहा है, उस समय कर्ता कौन और कर्म कौन, कर्ता कौन और कर्म कौन, कर्ता ज्ञायक आत्मा किसे जान रहा है, ज्ञायक को, माने ज्ञायक भी ज्ञायक और ज्ञेय भी ज्ञायक, दोनों ज्ञायक हुए। अब तो दूसरे का संबंध नहीं आया ना, अब दूसरे का संबंध नहीं तो अशुद्धता कैसे आएगी? तो कह रहे भैया तुम्हें ज्ञायक नाम देने से ही ऐसा लग रहा है अशुद्धता की बू आ रही है, गंध आ रही है। कह रहे वो ज्ञायक नाम मात्र परगेयों को जानने के कारण से नहीं है, स्वगेय को जानने के कारण भी उसका नाम ज्ञायक ही है, वो स्वगेय को जानता है इसलिए ज्ञायक है। और सचमुच में जब ज्ञायक ही ज्ञायक का गेय बने उस समय सहज ही शुद्धता प्रकट होने वाली है, ज्ञायक 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 जानने में आएगा। अभी तो गेय पर पदार्थ जानकर उसमें एकत ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है इसलिए अशुद्धता खड़ी होती है। जहां ज्ञायक ज्ञायक रूप से ही जाना अर्थात स्वयं को जाना तो बाहर की वैसी अशुद्धता भी प्रकट नहीं होती है। तो यहां शुद्ध है, अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण से अपने आप में शुद्ध है, उसका ज्ञायक नाम परगेयों को जानने के कारण से होने पर भी परगेयों की अशुद्धता उसमें नहीं आती है। यदि आपको ज्ञायक नाम पर से जोड़ता ऐसा लगता है तो उसका ज्ञायक नाम अकेला परगेयों को जानने के कारण से नहीं है, स्वगेय को जानने के कारण से भी वह कैसा है, ज्ञायक ही है। इस तरह से ये ज्ञायक के संदर्भ में छठवीं गाथा में जितनी चर्चा की है उसकी व्याख्या टीका में विस्तार से कर दी है, आप अनुशीलन ध्यान से पढ़े। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ कल पढ़ते हुए फिर अपन सातवीं गाथा की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन भावार्थ में भी इतने विषय है, भावार्थ में बहुत सारे विषय दिए हैं, हो सकता है कल की कक्षा पूरी भावार्थ के संदर्भ में चर्चा में गए, बहुत सारे विषय आएंगे इसी से संदर्भ, इसी का भावार्थ लिखा हुआ है, तो कोई बात यदि इसमें अस्पष्ट रह गई होगी तो उसकी चर्चा भी इसमें अपने आप आ जाए। बोलिए अंतिम मंगल। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोक,
मस्तक नवो सदा देत होढोक सदा देत होढोक।